चुनाव के बीच अगर हम बात करते हैं ऋषिकेश विधानसभा की, तो ऋषिकेश विधानसभा में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस टक्कर दे रहे हैं, वहीं पर इन दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के प्रत्याशी जिस तरह से कनक धनाई यहां ऋषिकेश विधानसभा के इस चुनाव मैदान में है, अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए जिस तरह से अगर बात करें कनक धनाई जी, आपका ऋषिकेश में एक चर्चा के विषय बन चुके हैं जिस तरह से आप बड़ी बड़ी पार्टियों को भी टक्कर दे रहे हैं, क्या वजह रही इस तरह चुनाव मैदान में आने की, किस मुद्दों को आपने ध्यान में रखकर इस चुनाव में मैदान में आने की आपने सोच बनाई? देखिए, कोई एक मुद्दा नहीं होता है कभी भी, बहुत से ऐसे सार्वजनिक मुद्दे थे, सार्वजनिक त्रुटियां थी, बहुत ज़्यादा जो नेग्लिजेंस था प्रशासन की तरफ से था, और जब हम लोगों ने ये यात्रा शुरू करी तो मुद्दे उस समय लगभग 14 सवाल हमने पूछे, और जब हम लोग मुद्दे पूछने के लिए विधायक जी के पास गए तो उन्होंने हमें 7 दिन की जेल कराई। तो आज मुद्दा ये नहीं है कि विधायक कौन बनेगा, या मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी कौन सी बड़ी है या मुकाबला किसके बीच में, आज लड़ाई इस बात की है कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो बातें हैं उसका सही वेंटिलेशन कौन सा बटन दबाकर होगा। आज लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की कि वास्तविक मुद्दे खाली खड़ंचे बिछाना और लाइट लगाना है या बड़ी बड़ी सौगातें देना है, आज लड़ाई इस बात की है। लड़ाई इस बात की है कि केंद्र सरकार के कामों को छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट की क्या उपलब्धि रही यहाँ पर, आज लड़ाई इस बात की है, आज लड़ाई इस बात की है। तो हम लोग ये समझे कि लड़ाई ये नहीं है कि विधायक कौन बनेगा या पार्टी कौन सी मजबूत है, और मजबूत और कमज़ोर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये जिस दिन परिणाम आते हैं उस दिन निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर इसकी घोषणा करता है। बाकी रही बात पुराने डेटा को अगर आप एनालाइज करें, तो अगर आपका वो जो अजम्पशन है वो साइंटिफिक है तो मैं उसको मानूंगा, बट अगर वो एक 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 एक, 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 एक छोटे सैंपल साइज के साथ किया हुआ एक मैं उसको क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में भी नहीं कहूँगा, बट मुझे लगता है फॉर्मेट में नहीं है, हम लोग वर्चुअली पूछते हैं, तो वो एक हमें लगता है कि एक यही फीडबैक है। हालांकि आज स्थिति बहुत ही विपरीत है, दोनों ही राष्ट्रीय दल आज कहीं ना कहीं जनता उनसे विमुख हो चुकी है, दोनों ही राष्ट्रीय दलों से कैंडिडेट, कहीं कहीं कैंडिडेट से और कहीं दल से है, तो मुझे लगता है आज एक बड़ा असम वोटर भी आज डिलेमा में है, और उस डिलेमा में उनको तीसरा विकल्प क्या लगता है, आज लड़ाई इस बात की है, आज लड़ाई इस बात की कि हम कितनी मजबूती से एक तीसरे और थर्ड ऑप्शन के रूप में उभरते हैं ताकि लोगों की स्वीकारिता हमारे प्रति बन जाए, आज लड़ाई इस बात की नहीं है। तो लोग आप किस तरह से यूथ के लिए सोचते हैं, क्योंकि जब बात आती है विकास की तो सिर्फ रोड सड़क और इसी की बात की जाती है, और आज वही चीज़ें जनता के बीच में गिनाई भी जा रही कि हमने ये काम किया है, लेकिन आपकी क्या योजनाएं होंगी जो जनता के लिए आप यहाँ के लिए कार्य करेंगे, और कैसे लगता है क्या कोई पार्टी के दामन भी अगर आप थामेंगे, अगर जनता प्यार देती है, कोई पार्टी आपको अपनी तरफ बढ़ाती है, तो क्या कोई पार्टी का आप दामन थामेंगे या फिर ऐसे अकेले ही जनता के लिए काम करेंगे आप? देखिए, हम लोग इस बात को समझें, पहले तो मैं कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ, हमारा एक क्षेत्रीय दल है जो भी 10 सीटों से चुनाव लड़ रहा है पूरे उत्तराखंड में, जिसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। दूसरी बात, अलायंस की आपने बात करी, बिल्कुल अलायंस मल्टी पार्टी सिस्टम है, अलायंस होना बहुत ही कॉमन बात है, और एक नेगेटिव कैनोटेशन है अलायंस को लेकर, पर मुझे लगता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और जब मल्टी पार्टी सिस्टम जिन भी राष्ट्रों में है वहाँ पर अलायंस होना, वो प्री इलेक्शन हो या पोस्ट इलेक्शन हो, बहुत ही स्वाभाविक है। अब रही बात किसके साथ जाएंगे, जो हमारे बिंदु हैं, हमने परसों अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करा, उस पर 5 साल 5 वादे हमने उस पर लॉन्च करे, उन 5 वादों में पहला वादा एम्स को लेकर था, जो एम्स में आज नंबर नहीं आता, खुलेआम जो रोजगार को लेकर 50,000 रुपये में सिक्योरिटी गार्ड लगता है। दूसरी बात, उसमें हमने जल मार्ग की स्थापना को लेकर किया, हरिद्वार और ऋषिकेश को वाटर कनेक्टिविटी से जोड़ने का। तीसरी बात, हमने उसमें जो ये पूरा क्षेत्र है, मनसा देवी, गुजर प्लॉट, अमित ग्राम, मालवीय नगर, बापू नगर, मीरा नगर, शिवाजी नगर, इसमें जो भूमिधरी का अधिकार है, जो लैंड राइट है, मालिकाना हक की बात है, आज ये 1952 से ये लोग यहाँ पर पट्टे की ज़मीन पर काबिज हैं, अभी तक इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है, ये अपने ज़मीन के कागज़ लेकर अगर किसी के लिए कोर्ट में जाते हैं कि उनको छुड़ाना है, उस कागज़ की आज एक स्कूटी के भी कागज़ की आज ज़्यादा वैल्यू है बजाय उनकी ज़मीन के कागज़ के, स्कूटी के कागज़ के, एक 20,000 की
LIC के कागज़ की ज़्यादा वैल्यू है बजाय उनकी ज़मीन के कागज़ के। तो हमारे मुद्दे ये थे, हमारी लड़ाई ये थी, मिनी सिटकुल की स्थापना करवाना लड़ाई थी। तो इन सब चीज़ों को जो मानेगा हम उस दल के साथ जाएंगे। अब आप यहाँ की जनता से, जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या लिख रहा है जनता, किस तरह से आपको जनता का प्यार मिल पा रहा है जो वोटों में भी तब्दील होगा? देखिए, अतिथि देवो भव है, हर कोई स्वागत करता है, और हमारा ही नहीं, हर दल को इस हिसाब से 12 प्रत्याशी आज मैदान में है, और वो 12 लोग जब भी किसी के दरवाजे में, किसी की दहलीज में खड़े होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार आदमी उनको मना करेगा। रही बात एक नैरेटिव की, तो बहुत ही जो हमारे कैंपेन्स रहे हैं, जो हमारा संघर्ष रहा है, मेरे ऊपर 4 मुकदमे हुए हैं पिछले 3 सालों में, मुझे लगभग मेरी 3 बार अरेस्टिंग हुई है, और मैं एक बार 7 दिन की जेल रहकर आया हूँ। 50 दिन तक मैं नेपाली फार्म के तिराहे पे दिन और रात जनवरी के महीने में मैं बैठा रहा जन आंदोलन को लेकर। 15 दिनों तक हम लोग नेपाली फार्म के उस राउंड अबाउट में बैठे रहे, उसमें भी हमारे 14 सवाल थे। एम्स में जब हम लोग झगड़ने के लिए गए, हमें पता चला कि वहाँ पर 98 लोगों को एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ले ऑफ कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गए कि ताकि उनके जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स है वो सिक्योर हो सके। संघर्ष रहा है, उसको समझाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब कितने सार्थक हम होते हैं समझाने में, आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि वोट कैसे होगा, वोट होगा कि नहीं होगा, वोट तो हम ले ही लेंगे। लड़ाई इस बात की कि हम कितनी अच्छी तरीके से अपनी बातें, अपने मुद्दे जन जन तक पहुँचाते हैं, आज लड़ाई इस बात की मैम। तो जनता के लिए, जनता के कार्यों के लिए, जनता के हित के लिए कनक धनाई जी जिस तरह से चुनाव मैदान में, उनका ये कि कहना है कि जो मेरा संघर्ष है वो अंत तक शुरू रहेगा जनता की भलाई के लिए, जनता के कार्यों के लिए। अब देखना यह होगा कि 14 फरवरी को किस तरह से जनता अपना वोट देकर कनक धनाई को यहाँ से विजयी बनाती है और उन्हें ऋषि केस में काम करने का मौका देती है। बने रहिए हमारे साथ बाकी और खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।